हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी के क्वेश्चन क्लास 9 साइंस की, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एनिमल टिश्यू आर मैनी टाइप्स सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ये क्या है? दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। ये एनिमल टिश्यू के टाइप हैं। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड है वो हमारा क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। एंड मसल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यू, और मसल्स जो है वो बनाती है मस्कुलर टिश्यू। द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर इन अकॉर्डेंस विद इन कॉन्कॉर्ड विद द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की जो मैट्रिक्स है, जो कंपोजिशन है, वो उसके डिपेंड करती है उसके नेचर के ऊपर। ब्लड हैज अ फ्लूइड नेचर। ब्लड का जो कंपोजिशन है वो किसका है? लिक्विड फॉर्म में, इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसका मतलब ब्लड की जो कंपोजिशन है वो लिक्विड मैट्रिक्स, लिक्विड फॉर्म में, और उस लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं। इन विच द रेड ब्लड सेल RBC, इसको बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल, सॉरी व्हाइट ब्लड सेल WBC एंड प्लेटलेट्स, दीज आर द सेल विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड। ये जो RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स, ये जो है ब्लड के सेल हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट, ब्लड फ्लो होता है और अपने साथ ले जाता है क्या? गैस ले जाता है, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सारी चीजें एक पार्ट, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाता है। बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या कहलाता है? बोन कहलाता है। इसका मतलब बोन भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। इट फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। ये क्या करता है? फ्रेमवर्क, एक ढांचे की तरह काम करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है और एक ढांचे की तरह काम करता है। इट ऑल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये मसल्स को होल्ड किए रखता है, थामे रखता है, और दूसरा ये जो है ऑर्गन के, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उनको क्या करने में लगता है? हेल्प करता है, सपोर्ट में हेल्प करता है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज, हैज वाइडली स्पेस सेल। जो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो कार्टिलेज है, जिसमें क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्पेस होता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि ब्लड, बोन्स और कार्टिलेज, ये हमारे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। अब हमारे क्वेश्चन इसमें रेज होते हैं, आइडेंटिफाई, ये हमारे पास आइडेंटिफाई करना है, ये जो हमारे पास टिश्यू है ये कौन सा, ये फिगर वाली कौन सा है? ये फिगर किसकी है? ये फिगर हमारी क्या है? कॉम्पैक्ट बोन नहीं है, हाइलिन कार्टिलेज नहीं है, एरुलर टिश्यू नहीं है, एडिपोज टिश्यू। ये क्या हमारा? एडिपोज टिश्यू, क्योंकि एडिपोज टिश्यू की जो फिगर होती है वो स्फेरिकल टाइप होती है। इसका मतलब, इसका आंसर क्या है? एडिपोज टिश्यू। सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू है उनके सेल के बीच में क्या होती है? जगह होती है, हाँ होती है। एम्बेडेड विद द इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, क्या वो इंटर सेलुलर सेल से आपस में जुड़े रहते हैं? यस। तो इसका मतलब क्या है? ए और बी दोनों आंसर है। बोन सेल आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट कंपोज ऑफ। बोन सेल क्या है? हार्ड है, हार्ड मैट्रिक्स का बना हुआ है। तो ये किससे बना हुआ है? जो हार्ड है, बोन जो हार्ड है वो किसकी वजह से? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड, कैल्शियम एंड पोटेशियम कंपाउंड, ए एंड बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड। कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड की कंपोजिशन की वजह से बोन सेल जो है वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। मूव टू नेक्स्ट पार्ट। बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू। दो बोन अगर आपस में जुड़े रहते हैं, बोन टू बोन, बोन टू बोन, बोन टू बोन जो जुड़े रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं, उन्हें हम लिगामेंट बोलते हैं, उन्हें हम मसल्स बोलते हैं, या नन ऑफ दिस, उसे हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। टेंडन मसल टू बोन होता है, तो बोन से बोन जुड़ने को हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। कार्टिलेज, जो क्या कहता हमने, वाइटली स्पेस होता है, इसका मतलब स्पेस ज्यादा होता है और इसका मतलब सॉफ्ट होते हैं। तो कहाँ प्रेजेंट होता है कार्टिलेज? नोज में, ईयर में, ट्रेकिया में, ऑल ऑफ एबो में, तीनों पार्ट सॉफ्ट ऑर्गन है, तो इसका मतलब तीनों में प्रेजेंट होता है। ये हमारा टिश्यू चैप्टर का केस स्टडी का क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। इसमें पांच पार्ट दिए होते हैं और हर पांच पार्ट में से आपने कितने पार्ट सॉल्व करने हैं? चार का आंसर देना है।
नेक्स्ट हमारा सेल का है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लियोन हॉक डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। लियोन हॉक ने पहली बारी सबसे पहले फ्री लिविंग सेल पॉन्ड में रिसर्च किया था, डिस्कवर्ड किया था। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था। अ सिंगल सेल मे बी कंस्टिट्यूएंट अ होल ऑर्गेनिज्म इन द अमीबा। अमीबा हमारा यूनिसेलुलर है, मींस केवल एक ही सेल प्रेजेंट होता है और वो सारे के सारे सेल, जो सारा एक सिंगल सेल है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म कहलाता है। एक सिंगल सेल अमीबा जो है वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा विच हैज ओनली वन सेल और इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑन अदर हैंड मेनी सेल आर ग्रुप टूगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इट टू फॉर्म द वेरियस बॉडी पार्ट इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारे सेल मिलकर, दो या दो से ज्यादा सेल या मिलियन ऑफ सेल मिलकर आपस में जुड़ते हैं, बॉडी के पार्ट को बनाते हैं और उस बॉडी में को, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिसका मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है विच कंटेन मोर देन टू सेल। और जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर कहलाएगा उसमें केवल एक सेल होता है, विच कंटेन ओनली वन सेल। इसीलिए मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बींग। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। किसी भी सेल की जो शेप है और साइज है वो किससे रिलेटेड करता है, उसके स्पेसिफिक फंक्शन से। ईच लिविंग सेल हैज कैपेसिटी टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शन दैट आर करेक्टरिस्टिक और लिविंग फॉर्म। जितने भी लिविंग सेल हैं उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता होती है क्या, कुछ एक बेसिक फंक्शन को काम करने की, एक बेसिक परफॉर्मेंस को करने की, और वो हर लिविंग फॉर्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट होता है। ईच काइंड ऑफ द सेल ऑर्गेनिला परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। जो सेल ऑर्गेनिला है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक काम करता है। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, जैसे कि एक सेल के अंदर नया मटेरियल बनाना, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। इसका अंदर नया सेल बनाना, नया सेल के अंदर नया मटेरियल, नया सेल बनाना और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम करता है। और ये काम किसका होता है, सेल ऑर्गेनिला का। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है पांच, उसमें से हमें चार सॉल्व करने हैं, और लेकिन आप क्या करोगे, चार सॉल्व करोगे। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, अब उसमें है नहीं पैराग्राफ में तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि सेल किसने डिस्कवर्ड किया था। सेल डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन बाकी जो सेल थ्योरी है वो सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक ही सेल होता है, फंगी मल्टीसेलुलर, प्लांट मल्टीसेलुलर, क्लेमाइडो माइनस, ये क्या है हमारा, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन ओनली वन सेल, कंपोज ऑफ ओनली वन सेल, जिसमें केवल एक सेल होता है। हु सजेस्ट दैट ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। किसने कहा था कि जो सेल जो है वो बनता है किसे, अपने पुराने सेल से। पुराने सेल से नया सेल बनना किसने राय दी थी, रॉबर्ट हुक ने नहीं, लियोन हॉक ने नहीं, स्क्लेडिन ने नहीं, किसने, विर्चाओ ने, किसने, विर्चाओ ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ईच लिविंग सेल हैज कैपेसिटी टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शन, यस। देयर इज ए डिविजन ऑफ लेबर इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी ठीक है। ईच काइंड ऑफ द सेल परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, ये भी सही है। All activity inside the cell do not interact with the environment. ये do not interact with the, all the activity in the cell do not interact. तो इसमें कौन सी statement गलत है? इसमें हमारी statement कौन सी है? In the activity do not interact with the, कौन सा? D. ये गलत है. Identify the given cell. ये भी आपने पीछे किया था, कौन सा ये? ये हमारा fat cell. कौन सा ये? Fat cell. ये हमारा second था cell का. अब हम move करते हैं next case study के question पर. जो हमारा क्या है, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर एयर, हवा इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मीन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एलिमेंट को अगर हम जोड़ें और उनकी कंपोजिशन अगर यूनिफॉर्म हो जाए तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एंड कैन बी सेपरेटेड इंटू इट्स कंपोनेंट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका मतलब एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है और इस जो एयर में जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है, डिफरेंट गैस है, उन गैस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ द एयर कैन बी सेपरेटेड बाय द
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें एयर के छोटे जो डिफरेंट गैसेज हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। द एयर इज कंप्रेस्ड, एयर को क्या करते हैं कंप्रेस्ड, मींस प्रेस अप्लाई करके रिड्यूस करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, मींस कंप्रेस करते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन कूल बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट इट लिक्विड एयर। एयर को हमने प्रेशर अप्लाई किया, उसमें प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के लिए हम टेम्परेचर घटाएंगे। जब टेम्परेचर घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो पार्टिकल क्या होंगे नजदीक आएंगे, और नजदीक आने से क्या होगा ऑटोमेटिकली दे विल कन्वर्टेड गैसेस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और जब टेम्परेचर हम उसका घटा देंगे तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एयर। मींस जो एयर है उसको हम अप्लाइंग इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, रिड्यूसिंग टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने पर और टेम्परेचर घटाएंगे तो वो जो एयर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड एयर में। दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फिर जो लिक्विड एयर है जो हमारी इंक्रीजिंग प्रेशर और रिड्यूसिंग टेम्परेचर से आई है उसको, उस लिक्विड एयर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में पास करेंगे एंड वेयर गेट द गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट। फिर वो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉलम में वो इकट्ठे हो जाएंगे, जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला सबसे नीचे कलेक्ट होगा। दे आर कलेक्टेड, वो कलेक्ट होंगे कॉलम में, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। द प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफिक लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी एक्सेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई करेंगे, और वो प्रॉपर्टी कौन सी, जैसे उसके गैस, उसकी हार्डनेस, उसकी रिजिडिटी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम करेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। द इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। इंटर कन्वर्जन मीन्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड। इसका मतलब इंटर कन्वर्जन का मतलब है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, या सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड और सॉलिड टू गैस। इस प्रोसेस को, इस इंटर कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। बिकॉज दिस चेंज अकर विदाउट चेंज इन द कंपोजिशन, नो चेंज इन केमिकल नेचर। अगर जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया, आइस दैट को किसमें चेंज किया वाटर में, किसमें चेंज किया वाटर में, तो इसका मतलब इसमें स्टेट चेंज हो गई, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस टाइप के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। अब इसके क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑक्सीजन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑक्सीजन क्या है, माइनस, ये माइनस है, ये माइनस 183 डिग्री सेल्सियस, माइनस 180 डिग्री सेल्सियस, माइनस 170। ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, माइनस 183, माइनस 180, माइनस 183 डिग्री सेल्सियस। दिस डैश इज द प्रोसेस दैट सेपरेट द प्योर सॉलिड फ्रॉम इट्स क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हमें प्योर सॉलिड मिलता है, किस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में, उसके सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन से हमें प्योर क्रिस्टल किस प्रोसेस से मिलता है, वो हमें मिलता है क्रिस्टलाइजेशन से, किससे, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज मीन नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, नो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज, नो केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो इसमें कौन सी फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेल्ट होगा तो नया चेंज बनेगा, केवल उसकी थोड़ी कंपोजिशन चेंज होगी। तो इसका मतलब ए फर्स्ट इज फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना केमिकल चेंज है क्योंकि नया सब्सटेंस बन जाता है, बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड, बेंड किया तो फिजिकल चेंज, ड्रॉइंग ऑफ वायरिंग, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आर द फिजिकल चेंज, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, तो आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क, मिल्क से क्रीम निकालना है, मिल्क से क्या निकालना है, क्रीम। जब मिल्क से क्रीम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, कौन सा करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज, केमिकल चेंज मीन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म मीन्स न्यू प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी विल ऑब्टेन, और इसमें केमिकल कंपोजिशन पूरी तरह से चेंज जाएगी। तो कौन से केमिकल चेंज है, केमिकल चेंजेस क्या है, डिकेइंग ऑफ वुड यस, बर्निंग ऑफ वुड यस, लकड़ी का कटना नहीं, हैमरिंग ऑफ नेल्स नो, तो पहला और दूसरा हमारा केमिकल चेंज है, तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है व्हाई डू फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इससे पहले हम तीन एक्टिविटी कर चुके हैं,
केस स्टडी के। अब हम कर रहे हैं व्हाई डू फॉलिल का एक एक्टिविटी, इसमें भी सेम है, रीड द पैसेज एंड आंसर एनी फोर क्वेश्चन, पैसेज को पढ़ना है और किन्हीं चार क्वेश्चनों का आंसर देना है। हेल्थ एंड डिसीज इन ह्यूमन कम्युनिटीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच मे इंटर कनेक्टेड कॉजेज, इसका मतलब हेल्थ और डिसीज ये क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल जो है सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है जिससे हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल। क्यों, सेल सेल के कंपोजिशन से टिश्यू बनता है और टिश्यू के कंपोजिशन से सेल के कंपोजिशन से टिश्यू, टिश्यू के कंपोजिशन से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के कंपोजिशन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम सारा से हमारा क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब हमारा जो ऑर्गेनिज्म है कोई भी एनिमल है उसका बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल है बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। और सेल इज अ डायनामिक पैलेस प्लेस सम ऑफ समथिंग और अदर वे इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देयर, इसका एक डायनेमिक प्लेस है जो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, ऑलवेज कुछ ना कुछ वो क्या होता है, मूवमेंट उसके अंदर घटना होती रहती है। इन अवर ऑर्गन टिश्यू देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज गोइंग ऑन, हमारी जो बॉडी के अंदर है, हमारे जो ऑर्गन के अंदर, हमारे ऑर्गन में, हमारे टिश्यू में हमारे एक पर्टिकुलर काम होता रहता है, जैसे हार्ट बीटिंग, हार्ट का काम है क्या नाम है, केवल बीटिंग करना। तो इसके अंदर दिस इज द स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ दिस ऑर्गन। लंग्स इज ब्रीथिंग, लंग्स क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इसके अंदर लंग्स का ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम है। किडनी का काम है कि फिल्टर द यूरिन, यूरिन को साफ करना, फिल्टर करना, ये स्पेसिफिक फंक्शन है। ब्रेन का काम है सोचना, ये क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन। दीज आर द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय द ऑर्गन, ऑल दीज एक्टिविटी आर इंटरकनेक्टेड, ये सारी एक्टिविटी इंटरकनेक्टेड है। हार्ट का बीटना, लंग्स की ब्रीथिंग होना, किडनी का किडनी जो यूरिन को फिल्टर करना, ब्रेन की थिंकिंग, सारी एक्टिविटी आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऑल कनेक्ट इंटरकनेक्टेड। हेल्थ मीन स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, हेल्थ का मीनिंग है कि अगर आप सोशली, अगर आप फिजिकली और मेंटली, फिजिकली मेंटली और सोशली अच्छे हो, वेलबींग हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेल्थ। मीन ए हेल्थी पर्सन शुड बी, एक स्वच्छ एक हेल्थी आदमी जो है वो कब कहलाएगा, जब वो फिजिकली साउंड हो, मेंटली साउंड हो और फिजिकली और सोशली वेलबींग हो। इसका मतलब फिजिकली वेलबींग, मेंटली वेलबींग और सोशली वेलबींग, देन अ पर्सन इज अ गुड हेल्थ। एनवायरमेंट इंक्लूड द फिजिकल एनवायरमेंट, एनवायरमेंट यहाँ पर क्या है, जो फिजिकल एनवायरमेंट जो हमारे आसपास का माहौल है। मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर दैट डिटरमाइन हाउ द डिसीज इज परसीव इज द डिसीज ड्यूरेशन। अब इसमें जो मेनली जो बीमारी का जो कारण है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, और वो दूसरा कि जो बीमारी है वो कितने टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए या ज्यादा टाइम के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन, डिसीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक क्रोनिक डिसीज और एक एक्यूट डिसीज। दो पार्ट में, जो क्रोनिक डिसीज है वो हमारी डिसीज कौन सी है, जो लंबे समय तक हमारे हमारे शरीर में बीमारी चलती रहती है, जो क्योर होने में काफी ज्यादा टाइम लगाती है, विच इज लास्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो हमेशा लंबे समय तक बीमारी चलती रहती है शरीर के अंदर, उसे हम बोलते हैं क्रोनिक डिसीज। एक्यूट डिसीज जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर केवल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, विच अकर ओनली फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मीन एक्यूट डिसीज द डिसीज विच अकर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्रोनिक डिसीज द डिसीज विच अकर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक जो बीमारी चलती है उसे हम क्रोनिक डिसीज बोलते हैं, और जो डिसीज हमारे छोटे टाइम के लिए चलती है, जो अभी बीमारी हुई थोड़ी देर में सही हो गई, तो उसे हम एक्यूट डिसीज कहते हैं। क्रोनिक डिसीज हमारे फिजिकल, हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालता है, लेकिन एक्यूट डिसीज हमारे हेल्थ पर फर्क नहीं डालता। सेल, सेल जिसे हमने पहला क्वेश्चन, सेल क्या कहता, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसका, एक ऑर्गेनिज्म का। किससे बना है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट एंड लिपिड से, ऑल ऑफ दिस से। सेल जो है तीनों चीजों से बना हुआ है, मींस दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनिक डिसीज, क्रोनिक डिसीज द डिसीज विच इज लास्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे समय तक जो बीमारी होती है चलती रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिसीज। और ये हमारे फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट डालता है और वीक बना देता है। तो कौन सा है, एलिफेंटियासिस, कॉमन कोल्ड, डेंगू, ऑल ऑफ दिस, ये क्या है, इसका ए आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्रोनिक डिसीज, क्रोनिक डिसीज जो लास्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, कॉज बाय सेल्मोनेला, रॉन्ग, इट
कॉमनली अफेक्टेड द इम्यून सिस्टम, नहीं करता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बैक्टीरिया एंटर फ्रॉम द एयर वायर नोज एंड देन एंटर टू द लंग्स। हाँ, बैक्टीरिया जो है, टीबी के जो बैक्टीरिया है वो एयर एयर में से कहाँ से, नोज के थ्रू से लंग्स में पहुंचते हैं। इसका लंग्स में जो पहुंचते हैं वो नाक से होते हुए लंग्स में पहुंचते हैं, और बैक्टीरिया कस में प्रेजेंट होते हैं एयर में। तो इसका मतलब थर्ड इज राइट। पेशेंट स्प्यूटम कंटेन ब्लड, इसका मतलब जो पेशेंट के जो बलगम है या उसमें जो थूक है उसमें क्या होता है, ब्लड होता है। यस, जब वो खांसता है थूकता है तो उसमें क्या आता है, ब्लड आता है। तो थर्ड एंड फोर्थ सही है, और पहला और दूसरा क्या है, गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज रॉन्ग। तो कौन सा आंसर है इसका, फर्स्ट एंड सेकेंड इज रॉन्ग, ऑप्शन इज फर्स्ट एंड सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ, इंडिविजुअल हेल्थ के लिए कौन सी इसमें जरूरत नहीं है, कौन सा इसमें इतनी सही नहीं है। लिविंग इन ए क्लीन प्लेस, साफ जगह रहना चाहिए तभी फायदा होगा। गुड इकोनॉमिक कंडीशन, अगर आर्थिक रूप से सही है तो इसका मतलब हमारे इंडिविजुअल हेल्थ में फर्क पड़ेगा। सोशल इक्वलिटी और हारमोनी, हमने सोशल इक्वलिटी और हारमोनी मेंटेन करके तब भी इंडिविजुअल हेल्थ रहेगा। लेकिन लिविंग इन ए लार्ज एंड वेल फर्निश्ड रूम, अगर हम बड़े कमरे में रहें तो वो हमारे इंडिविजुअल हेल्थ पर कोई फर्क इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कौन सा आंसर है इसका, डी। द डिसीज कंटिन्यू फॉर मेनी डेज एंड कॉज अफेक्ट अवर बॉडी, जो काफी समय तक रहती है हमारे शरीर के अंदर और हमारी बॉडी पर अफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है, तो वो कौन सी डिसीज है, क्रॉनिक डिसीज, क्रॉनिक एंड लॉन्ग टर्म डिसीज, जो हमारे शरीर में काफी दिनों तक रहती है और हमारे शरीर की हमारे हेल्थ पर भी इफेक्ट डालती है। ये हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन था, व्हाई डू फॉल इल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो हम जो अगली वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए बनाई जाएगी वो 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।